दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Redmi K40, Redmi K40 Pro एंड Redmi K40 Pro Plus के बारे में, जो कि लॉन्च हो चुके हैं ट्रिपल रियर कैमरास के साथ में 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यहां पे आपको जो है इस बजट प्राइस में एक अच्छा फ़ोन देखने को मिल रहा है। Redmi की तरफ से 3 जो है टोटल फोन्स लॉन्च हुए हैं Redmi के एंड K40 के सीरीज़ हैं, जो कि काफ़ी दिन से वेट किया जा रहा था इन फोन्स का। तो एकदम दमदार परफॉर्मेंस के साथ जो है देखने को मिलेंगी, ये जो स्पेसिफिकेशंस है एकदम अच्छी है, प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप सभी को इन्हीं फोन्स के बारे में सभी डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस वगैरह डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इनके सीरीज़ की। तो ये जो है अभी चाइना में लॉन्च हुए हैं Redmi K40, K40 Pro एंड K40 Pro Plus, टोटल 3 स्मार्टफोन्स है। एंड सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, फिर जो है मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा। यहाँ पे जो Redmi K40 है वो Android 11 पे चलता है MIUI 12 के साथ में एंड 6.67 इंच की Full HD Plus यहाँ पे AMOLED की स्क्रीन देखने को मिलती है। 1300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है ये डिस्प्ले। तो आप गेमिंग वगैरह एकदम ईजी से कर पाएंगे, आपको जो है AMOLED की स्क्रीन मिलती है। जो लोग जो है पसंद करते हैं AMOLED को, उनके लिए जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, 1300 nits की है, यानी 1300 nits की जो है यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस देखने में लगी। एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का है एंड यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। जो फ्रंट में डिज़ाइन है इसका डिस्प्ले का, होल पंच जो डिज़ाइन है इसके कैमरे का, वो वर्ल्ड का जो है स्मॉलेस्ट कैमरा कहा जा रहा है। एंड जो है इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 SoC देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एकदम बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 12GB की आपको LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी। Xiaomi ने कंपेयर किया था Redmi K40 को iQOO 7 से जब ये लॉन्च किए थे चाइना में। कैमरा की बात करें तो Redmi K40 में आपको 48 मेगापिक्सल का Sony IMX 582 प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर देखने को मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है यहाँ पे एंड 5 मेगापिक्सल का आपको जो है मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। फ्रंट में सेल्फीज की बात करें तो आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा वीडियो चैट्स एंड यहाँ पे सेल्फीज के लिए। Redmi K40 में आपको 256GB तक स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो कि UFS 3.1 स्टोरेज है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, IR Blaster, USB Type-C पोर्ट एंड सभी सेंसर्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग आपको जो है डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। AMOLED की स्क्रीन है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। बैटरी जो है 4520 mAh की मिलेगी एंड 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है ये बैटरी। आपको जो है यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रंट एंड बैक में, एंड उसके बावजूद इसका जो वेट है वो 196 ग्राम्स का है। तो यहाँ पे आपको वेट भी अच्छा मिलता है, 7.8 mm इसकी थिकनेस है। अब बात करते हैं Redmi K40 Pro की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जो Redmi K40 Pro है उसमें आपको MIUI 12 देखने को मिलेगा Android 11 के साथ में, 6.67 इंच की Full HD Plus, इसमें भी आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, A+ सर्टिफाइड है स्क्रीन एंड यहाँ पे आपको जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 8GB रैम के साथ आता है। तो इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है 888 है, स्नैपड्रैगन का एकदम टॉप लाइन वाला जो है प्रोसेसर है, 5G में अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है एंड आपको ये K40 Pro एंड K40 Pro Plus में दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो फ्रंट की बात करें Redmi K40 Pro की, तो यहाँ पे आपको जो है फ्रंट में काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। कैमरास जो है आपको मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX686 प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। बैक साइड में 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए, जो कि 119 डिग्री लेंस है। 5 मेगापिक्सल का आपको जो है यहाँ पे एक टर्टियरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। Redmi K40 Pro में आपको 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे 5G, 4G, LTE, Wi-Fi 6 एंड Bluetooth सपोर्टेड है। इसमें भी NFC देखने को मिलता है, IR Blaster दिया गया है,
USB Type-C पोर्ट है एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले में देखने को मिलता है। जो बैटरी है वो 4520 mAh की देखने को मिलेगी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। एंड यहाँ पे जो Redmi K40 Pro Plus है उसकी स्पेसिफिकेशन सेम है Redmi K40 Pro से। इसमें आपको जो है सिर्फ जो कैमरा है उसमें आपको बड़ा सेंसर देखने को मिलेगा Redmi K40 Pro Plus में। 108 मेगापिक्सल का Samsung HMT2 प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है एंड 256 GB तक यहाँ पे आपको जो है स्टोरेज देखने को मिलेगी, 12 GB तक रैम है और सभी स्पेसिफिकेशन आपको जो Redmi K40 में देखने को मिलती है वही इसमें भी देखने को मिलती है। अब बात हैं प्राइस की, तो जो Redmi K40 है वो आपको 6GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए अराउंड, मैं रफली बताऊं चाइनीज प्राइस को कन्वर्ट करके, तो 22,500 रुपीस देखने को मिलता है। अगर Redmi K40 आप जो है 8GB प्लस 128GB स्टोरेज मॉडल लेते हैं तो 24,000 रुपीस तक पड़ेगा एंड जो 8GB प्लस 256GB स्टोरेज ऑप्शन है उसके लिए 28,000 रुपीस देखने को मिलता है। 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज मॉडल की है, जो सबसे यहाँ पे जो है टॉप मॉडल है वो 30,400 रुपीस में देखने को मिलता है एंड यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा एंड ड्रीम लैंड भी एक कलर इसमें देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं Redmi K40 Pro की प्राइस के बारे में, तो जो स्टार्टिंग वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट वो जो है 31,500 रुपीस में देखने को मिलेगा। 8GB प्लस 256GB जो स्टोरेज है उसके लिए 37,000 रुपीस देखने को मिलता है एंड जो यहाँ पे आपको Redmi K40 Pro Plus मिलता है 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के लिए उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 41,600 रुपीस देखने को मिलती है। तो ये तीन कलर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे एंड Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro Plus में भी रीब्रांडेड पोको के फ़ोन्स में देखने को मिले हमें इंडिया में कब लॉन्च होता है इसकी जो है कोई भी अभी कन्फर्मेशन नहीं है। तो आपको कैसा लगा Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro Plus, मुझे अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करते हुए बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।